बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए नवादा के वारसलीगंज पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली में खूब हंगामा हुआ। रैली में मौजूद 20 से 25 लोगों ने पहले नीतीश को चप्पल दिखाई, इसके बाद मोदी मोदी के नारे लगाए। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी आरएसएस पर हमला करते हुए कहा है कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करने देंगे, मोदी चाहे तो मुझे फांसी दे दे और भागवत को भारत रत्न दे दे, मैं चुप नहीं बैठूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता को राजधानी के एक अदालत ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सोमवार को सोमनाथ को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने हत्या की कोशिश और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। मुंबई को फिर आतंकी हमले से दहलाने की साजिश है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और प्रसिद्ध ताज होटल पर आतंकी हमले की धमकी मिली है, इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर सुरक्षा बढ़ा दी। जयपुर में राज्य कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। एमएसएमई के लिए नई नीति बनेगी। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि लघु उद्योगों के लिए नई नीति बनाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को चीफ इंजीनियर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 3 दिवसीय सवाईमाधोपुर के प्रस्तावित दौरे पर रहेंगी। दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सरकारी विभागों के कार्यालयों में साफ सफाई समेत रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। जयपुर में मेट्रो के लिए खुदाई के दौरान आई सड़कों में दरार पर प्रदेश कांग्रेस ने चिंता जताई। पीसीसी उपाध्यक्ष अर्जुना शर्मा ने आरोप लगाया है कि आर्कियोलॉजी नॉर्म्स और न्यायालय के निर्देशों को भी हल्के में लिया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर बारा पहुंची। मधु शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों से चर्चा की। शर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं को महिला मोर्चा आमजन तक पहुंचाएगी। प्रदेश के 7 शहरों में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव मनजीत सिंह ने ली। झुंझुनू के इंद्रपुरा गांव में विधायक शुभकरण चौधरी ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में बिजली, पानी, सड़कों से जुड़ी हुई समस्याओं के से विधायक से शिकायत की गई, जिसके लिए समाधान के लिए विधायक ने दिशा निर्देश दिए। आरोपी आनंद पाल फरार मामले में नया खुलासा हुआ है। खुलासे में पता चला है कि आनंद पाल नेपाल के रास्ते दुबई फरार हो गया है। माना जा रहा है कि 11 सितंबर को नेपाल के रास्ते दुबई भागा है आनंद पाल। ये खुलासा आनंद पाल और उसकी बेटी के बीच हुई चैटिंग से हुआ है। गोलावाड़ में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया, जिसमें 1 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। महिला और उसकी बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। शाहपुरा के अरनिया इलाके में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया। धौलपुर के सपो कस्बे में भरतपुर राजमार्ग पर पीएनबी बैंक के सामने 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भरतपुर के फतेहपुर सिकरी इलाके में पेट्रोल पंप के टैंक में आग लग गई, जिसमें 4 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मजदूर टैंक को ठीक कराने के लिए खाली कर रहे थे, अचानक यहां पर आग लग गई। गैर के भुसावर के हनुमान मंदिर के पास अचानक एक खेत में आग लग गई। आग लगने से फसलें जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। रतनगढ़ में देर रात 3 बदमाशों ने युवकों से फॉर्च्यूनर कार लूट लिया और बदमाशों ने युवकों के साथ मौजूद पर्स और मोबाइल भी लूट लिए। पुलिस युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी की जा रही है। जयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लग्जरी कार चुराने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को उदयपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी साल 2008 से लग्जरी कार चुराने की वारदात को अंजाम दे रहा था। अजमेर एसीबी की टीम ने डीडवाना के बाल विकास परियोजना के बाबू को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। टीम ने बाबू कर्ण सिंह को 19,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी पूछताछ के बाद बुधवार को बाबू को कोर्ट में पेश करेगी। जयपुर के सेवापुरा गांव के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कचरा प्लांट स्थानांतरित करने की मांग की। आसपुर के डूंगरपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। सुरक्षा सप्ताह के तहत रैलियों का आयोजन हुआ। अभियान के तहत यातायात नियमों की जानकारी दी गई। भारतीय स्टेट बैंक ने ब्याज दर 0.4% घटाकर 9.3% करने की घोषणा की है। नई दरें 5 अक्टूबर से लागू होंगी। इससे पहले आंध्रा बैंक ने अपने बेस रेट में 0.25% की कटौती की है। आंध्रा बैंक की दरें आज से लागू होंगी। इंडिया ए ने एकमात्र प्रैक्टिस मैच में दक्षिण अफ्रीका टीम को 8 विकेट से धो डाला। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने इंडिया ए को 190 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में इंडिया ए ने 19 ओवर में 194 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।
फेमिना 2015 के रेड कार्पेट पर बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। रेड कार्पेट पर हसीनाओं ने जलवे दिखाए। यहां पर मलाइका के साथ सुजैन खान की दोस्ती भी दिखाई दी। मुग्धा गोडसे हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म इश्क ने क्रेजी कियारे के ट्रेलर लॉन्च किया है। मुग्धा के साथ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौके पर मौजूद थी।